मुख्यमंत्री मनोहर लाल 13, 14 और 15 मई को सिरसा में जनसंवाद करेंगे, यहीं पर प्रवास करेंगे। इसको लेकर इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने पलटवार किया था, बयान दिया था कि ये जो जनसंवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री कर रहे हैं ये उनकी पदयात्रा से प्रेरित होकर किया जा रहा है। अब इस पर सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने पलटवार किया है, बयान देते हुए कहा है कि इनेलो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, इनेलो की तरफ से अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है और अभय सिंह चौटाला अपने आप को मजबूत करने के लिए ये पदयात्रा कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरपंच और किसान मुख्यमंत्री के इस जनसंवाद कार्यक्रम का विरोध करने का ऐलान कर चुके हैं। इस पर सुनीता दुग्गल ने कहा कि कुछ लोग लाइमलाइट में रहना चाहते हैं और सिर्फ इसी वजह से राजनीति से प्रेरित होकर वो विरोध कर रहे हैं और जनता बखूबी ऐसे लोगों को जवाब देगी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी सांसद ने इस बात को स्वीकार किया है कि कोरोना की वजह से काम नहीं हुए थे, विकास के काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाए थे, इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार जनसंवाद कर रहे हैं, अपने दूसरे कार्यकाल में भी जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं का हल कर रहे हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सिरसा जनसंवाद कार्यक्रम से पहले वहां की राजनीति खूब गर्मा चुकी है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है वो जनसंवाद के कार्यक्रम कर रहे हैं और उसी कड़ी में कल परसों और उससे अगले दिन 13, 14, 15 इन 3 दिन के लिए वो सिरसा ज़िले में आ रहे हैं और सिरसा ज़िले के जो 3 विधानसभा हैं उनको वो टच करेंगे, जिसमें 3-3 गांव जो हैं वो 3 विधानसभाओं के हैं उनमें जाएंगे, जैसे रानिया के 3 गांव हैं और इसी तरह से जो हमारा डबवाली के 3 गांव हैं और कालावाली के 3 गांव हैं, तो उन सब जगह पर जाएंगे और उसके साथ साथ जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके यहाँ पर भी उनका जो है वो प्रवास रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी यहीं पर रहेंगे, अपना यहाँ पर प्रवास करते हुए वो जनसंवाद करेंगे। बहुत फ़ायदा होता है, देखिए बहुत बार क्या होता है कि धरातल पर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसका जो है वो हमें इस चीज़ का बारे में बहुत ज़्यादा से बारीकी से नहीं पता लग पाता, लेकिन जब आप जनसंवाद करते हैं तो जनता के बीच में से जो आवाज़ उठ कर आती है तो उससे पता लगता है कि धरातल पर क्या समस्या है। तो बहुत अच्छी ये माननीय मुख्यमंत्री जी की शुरुआत है और इससे बहुत ज़्यादा लाभ जो है हमारे आम जनता को मिलेगा। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अगर आपको ध्यान हो, उनका जो पिछला कार्यकाल था 2014 से लेकर 2019 तक, उन्होंने एक एक विधानसभा को जो है जाकर वहाँ पर खूब प्रवास भी किया था और वहाँ पर खूब सभाएं भी की थी और वहाँ पर खूब घोषणाएं भी की थी, और जिसके तहत आपको पता होगा कि सीएम अनाउंसमेंट चारों तरफ आपने सुना होगा कि ये जो योजना है ये सीएम अनाउंसमेंट के तहत है। तो अब की बार जो है वो कोरोना की वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है जिस शिद्दत के साथ चाहते थे वो उस शिद्दत के साथ नहीं कर पाए, तो उनको इस चीज़ का मन में बड़ा मलाल था, तो इसलिए उन्होंने अब ये शुरुआत की है कि हर जो है जिले के अंदर 2 या 3 विधानसभाओं के अंदर जाकर जनसंवाद करें और बहुत अच्छा उसका जो है रिस्पॉन्स आ रहा है। और रही बात INLD पार्टी की, तो देखिए हर जो पार्टी है उसको अब पब्लिक जनता इतनी समझदार है कि उनको धरातल पर क्या हो रहा है ये दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए वो अपनी पद यात्रा कर रहे हैं, तो अपनी पार्टी के वर्चस्व के लिए कर रहे हैं, पार्टी जो है उसको खड़ा करने के लिए कर रहे हैं। ये कहना कि उनकी इस यात्रा से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है प्रभावित होकर जो है वो इस तरह के जनसंवाद कर रहे हैं, ये तो बहुत मुझे लगता है कि छोटी राजनीति है। देखिए ऐसा है कि कल जो है आप लोगों को मालूम हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्यक्रम है उनको सभी का निरीक्षण करने के लिए मेरा जाना हुआ, तो वहाँ पर जो है कुछ 2-4 सरपंच जो हैं वहाँ पर आए और उन्होंने ये कहा कि जी आप जो है हमारे गांव में नहीं आते हैं, तो मैंने उनको ये बताया कि जी आप कहते हैं कि आपके गांव में नहीं आते हैं, लेकिन जब मैं डींग की तरफ मैं गांव में वहां जा रही थी तो उन्हीं 2-3 जो हैं सरपंचों ने किस तरह से जो है मेरी गाड़ी को डंडों के साथ जो है वो तोड़ने की कोशिश की। तो आप इस तरह करके अगर किसी को आप किसी का रास्ता अवरुद्ध करना चाहते हैं तो ऐसे रास्ते अवरुद्ध नहीं होते हैं, जनता हमें चाहती है, हम जनता के बीच में जाते हैं और मुझे लगता है कि ये कुछ वो लोग हैं जो राजनीतिक से प्रेरित होकर सिर्फ और सिर्फ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं उस काम के अंदर खलल डालना चाहते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं। देखिए मैंने आपको बताया कि कुछ जो राजनीतिक दल जो हैं वो अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए, वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उनको और कुछ नजर नहीं आता, तो वो सोचते हैं कि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में खलल डालकर वो शायद जो है लाइमलाइट ले सकते हैं, लेकिन जनता इन बातों को सब समझती है कि कौन काम करता है और कौन जो है वो सिर्फ लाइमलाइट लेने के लिए या अपने आप को दिखाने के लिए कि हम जो है ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो वो इस तरह का काम करते हैं।